दादी क्या करूं फिर मैं बाइक में जाइए प्रसाद बांटने की मैं निकलूं फिर चल छोड़ फिर मत दियो पैसे ठीक है चल कोई बात नहीं यार रख ले अरे नीचे यार मुझे नीचे हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं फारजोन और अभी मैं हूँ घर में ठीक है दादी ने कार्यभार संभाल लिया है आ गई है दादी कल ही आ गई थी ट्रिप से ऑल इंडिया ट्रिप से ठीक है बाकी अभी टीका वगैरह लग गया हमने ठीक है बाकी अब प्रसाद बांटने जाएगी जो अलग अलग मंदिरों का प्रसाद था वो आसपास आस पड़ोस में बांटने जाएगी हालांकि टाइम लग जाएगा यार इसमें बहुत ज़्यादा दादी क्या करूँ फिर मैं बाइक में जाएगी प्रसाद बांटने की मैं निकलूँ फिर ले लड्डू ना मैंने तो खा लिए थे मैं थोड़ा सा लूंगा मेरे ब्रेसेस से है बता फिर तब मैं जल्दी जल्दी निकलूंगा ना तब ऋषिकेश तो रख फिर फटाफट और तब बाइक में चलते फटाफट फटाफट और दे के आ जाते तो प्रसाद बांट के आ जाते फटाफट से ठीक है जो भी है आस पड़ोस में ठीक है फिर उसके बाद निकलूंगा मैं ऋषिकेश के लिए हाँ अच्छा ये फोन तो कल मेरा छूट गया था खैर पर मिल गया और फिलहाल जब तक ये प्रसाद रख लिया तब तक बैठते हैं धूप में कुछ की पुरखी बना दी हमने कुछ प्रसाद की और कुछ वैसे थैले में लेके जा रहे हैं तो जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे थैले में रख मतलब थैले से कागज़ की पुरखी बनाएंगे वहाँ पे और तब दे देंगे हाँ क्या ठीक है तो दादी और मैं चलते हैं जरा तो दादी और मैं चलते हैं जरा प्रसाद बांटने सबको चलो बांटिया है तैयार और निकले चलो प्रसाद बांटने सब जगह प्रसाद बांटने के बाद अब आ गए छोटी दादी के यहाँ छोटी दादी है मेरी दादी की बहन दादी की बहन ये 13 दिन के पिछड़े हुए हैं ये तेरह दिन से गायब हो रही थी ये ले भाई प्रसाद का है तेरे भी ये क्या दांत पे मैंने ब्रेसेस लगवा दिए दांत पे चमकाहट लगा दी मैंने आ गई हीरोइन ये कौन आया ये स्कूल से कौन कौन आया ये क्या भैया को भेजने वाले हाँ तो भैया यहाँ थोड़ी थे तो वो क्या ऊपर खिलौना था वो ग्रीन ग्रीन है ना कौन सा ऊपर ये चलो अंदर आओ चलो 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 तो भाई प्रसाद बांट के आ चुके हैं ये भी जस्ट अभी अभी पहुंचे हैं दोनों हीरोइन बहुत टाइम लग गया 2 बज गए काफ़ी टाइम हो चुका है सुबह के कर कितने बजे निकल गए होंगे दादाजी हम सुबह कितने बजे निकले थे साढ़े दस तो 10:30 से 2:30 बजे दो बजे काफ़ी टाइम लग गया प्रसाद बांटते बांटते बट के प्रसाद सबको बांट दिया गया है और पहुंच चुके हैं घर अब खाना खाते हैं और तब निकलूंगा मैं यहाँ से ऋषिकेश की तरफ ओके बाय 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 चलो चलते हैं भाग गयो बाय बाय करती करती भाग गयो चल ठीक है मैं चलता हूँ ठीक है वो इस पे है ना रखा हुआ सब चीजें मतलब वो मूर्ति चल ठीक है
तो गाइस निकलते हैं ऋषिकेश के लिए, काफ़ी टाइम हो चुका, बहुत बैठ गया भाई मैं आज। इतनी सारी गाय पाली तुमने, मतलब मैं एक दिन, ये देख छोड़ दिया इसने, हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, पीटो पीटो पंचा, अब बोल पंचा सब, और अब क्या हुआ ना, अब बोले ग्रीसलीन, ग्रीसलीन ग्रीसलीन की ग्रीसलीन, ग्रीस ला दूंगा, अतः वो घुसी रही है जैसे चैन में नहीं लगाते वो, तो ना ग्रीस लानी की ग्रीस लानी, बता ग्रीस, ग्रीस नहीं लाऊंगा मैं, ग्लिसरीन लाऊंगा, ग्लिस, हाँ ग्लिस और ग्रीस। तो गाइस तैयार हो चुका हूँ मैं बढ़िया करके, ठीक है, और अब निकलते, जरा दवाई लेकर आते हैं। अभी मैं दवाई लेने जा रहा हूँ नानी के लिए, ठीक है, नानी की तबीयत खराब है, सर दर्द जुकाम बुखार, जब से वहाँ से आए हैं तब से कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, तो चलते हैं जरा फटाफट लेकर आ जाते हैं, ठीक है, सब सारा सामान वगैरह। भाई ठंड क्या हो रही है यार, अभी अभी नहाया ना मैं, तो उस चक्कर में और ज़्यादा ठंड हो रही है। लो भाई तुम्हारी दवाई, तीन डोज, ये मेरी दवाई 25-26 डोज, ये माँ की दवाई पता नहीं कितने डोज, 138 रुपया, क्या है सब चीज़, 138 140। तो तुझे क्या चाहिए, तो चाह क्या रही है, 280। हाँ तो क्या, और नानी को दे पैसे, भूल जा वापिस, नानी को एक पैसा वापिस नहीं मिलेगा, वो मेरी दिहाड़ी है, मैं इतनी ठंडी में गया, वो भी ना के दिहाड़ी, अनी तो खानकी का लगी हुई आकर, जब दिहाड़ी चैन तो मतलब पैसे वापिस ही देने पड़ेंगे क्या, लो यार तुम चीजी खा लेना, टॉफी टूफी जितने भी है बचे कुचे वही हो, चल छोड़ फिर, मत दियो पैसे, ठीक है, चल कोई बात नहीं यार, रख ले ले, अरे नीचे यार, मुझे नीचे ले पकड़, अरे मत दे मत दे, क्यों दे रही है ये देखो ना, अरे वीडियो बनो ना, ये पता नहीं क्यों दे रही यार, अरे आंटी आप ही समझाओ यार इन्हें, पैसे दे रही है मुझे, पैसे दे रहे यार फालतू, चलो दे रहे तो नाते हो ना, वो तो चलो। तो भाई लोग आ चुका हूँ मैं घर में, पहुंच चुका हूँ, ठीक है, दवाई वगैरह भी लेकर आ गया हूँ, दादी की भी, ओ सॉरी नानी की भी, माँ की भी, और खुद के लिए भी मैं थोड़ा ग्लिसरीन वगैरह लेकर आ रहा हूँ, आ रखा हूँ, मतलब हाथ वगैरह तो फटने लग गया, तो इस चक्कर में कल का तुमने ब्लॉग देख ही लिया होगा आई एम श्योर, नहीं देखा तो जाके देखो क्या कैसे कैसे रिएक्शन थे दादाजी के, घर वालों के, कितनी एक्साइटमेंट थी, जाकर देखो जब ये आए थे। बाकी परसों हमें बारनाउल दिखा था भाई, बहुत रेयर पक्षी है वो, तो अगर वो नहीं देखा तो भाई साहब वो वाला ब्लॉग भी देख सकते हो, ठीक है, बारनाउल वाला। और बाकी 350 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हमने भाई साहब, धन्यवाद सभी आप सभी लोगों का, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही तबाही मचाएंगे आगे, तो और बढ़िया करने वाला हूं मैं, जल्दी जल्दी अपने एम्स पूरे करेंगे, 500 सब्सक्राइबर फिलहाल है तो उसको कंप्लीट करते, कोशिश रहेगी कि इस महीने के लास्ट तक हो जाए, सोचा तो है कुछ करेंगे उसको भी अप्लाई आगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी हम कवर कर सके। बाकी खुद के भी छोटे छोटे एम्स रखो और उन पे काम करते रहो, चाहे कैसे भी हो बस काम करते रहो, खुद पर थोड़ा थोड़ा भी हो बहुत है, ठीक है। और सुबह तुमने जैसे देखा ही कि प्रसाद जो लाए थे अलग अलग मंदिरों का, जगन्नाथपुरी हो गया, अयोध्या हो गया, गंगा सागर हो गया, और पुरी हो गया, चित्रकूट हो गया, जहाँ जहाँ के भी इन्होंने धार्मिक स्थल कवर किए थे इस ट्रिप पे, इस ऑल ओवर जर्नी में, उस सब का प्रसाद आज हमने वितरण करा आसपास के लोगों में, प्रसाद जितना बटे उतना ही बढ़िया है। बाकी फिलहाल इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आप सभी लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स रिश्तेदारों के साथ, कमेंट डाउन भी लो अपने विचार, बाकी सब्सक्राइब करो फारजोन को, और मैं मिलता हूँ, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाय।